दोस्तों सिर्फ आप अपना बैंक खाता नंबर डालकर किसी भी बैंक का बैलेंस घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि भारत सरकार ने आपके खाते में कितने पैसे भेजे, कितने पैसे कटे, क्यों पैसे भेजे गए हैं, कितने आए, किस डेट पे आए, किस समय पे आए हैं, और अगर नहीं भी आए हैं तो क्या रीज़न है और आपका पैसा कहाँ रुका हुआ है, सब कुछ आप अपने मोबाइल से घर बैठे बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, यहाँ पर लाइक वाले बटन पर क्लिक करके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ पर सबसे पहले लाल कलर से लिखा हो इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, और बगल में बिल्कुल छोटी सी घंटी आएगी यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे कमेंट अच्छा सा प्यारा से लिखना जो आपके दिल में हो, नाइस लिख देना, नाइस ट्रिक, नाइस ऐप, जो भी लिखना आप लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो इस टाइटल पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऐप लिंक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ओपन कर लेना है और आपको सर्च करना है PMFS, ठीक है, आपको ये सर्च करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नो योर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद सिर्फ आपको यहाँ पर बैंक का नाम डालना है, खाता संख्या डालना है, खाता संख्या डालना है, और एक कैप्चर कोड डालने के बाद आपको सर्च करना है। उसके बाद आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर इस खाते नंबर की आ जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर बैंक का नाम डाल दिया, खाता संख्या दे दिया, दोबारा खाता संख्या यहाँ पर डाला है और कैप्चर कोड डाला है, और यहाँ पे अब मैं करूँगा सर्च। जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च किया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर चंपा देवी, स्कीम UP नेशनल विधवा पेंशन के तहत, प्रपोज एजेंसी UTR नंबर, फेलर रीजन, क्रेडिट संख्या, फेलर यानी पैसा किस वजह से फेल हुआ, वो सारा डिटेल। उसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट 500 और 1000 रुपये, और सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर दिया गया। बैंक में जो आया था पैसा 4 तारीख को आया था, 4 जून को, और क्रेडिट किया गया था हमारे खाते में 5 जून को। तो इस तरीके से आप पूरा देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की ID मिल जाएगी, आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई वहाँ पर दे दूँगा। तो थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।